दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कल का हमने एक वीडियो पोस्ट किया था रात को कि आज का बाजार कैसा रहने वाला है। रात को 9 बजे हमने वीडियो पोस्ट किया था, मालूम नहीं कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने उसको सीरियस लिया, पर जो भी इन वीडियोस को सीरियस लेगा शायद उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इस चैनल पे आपको क्या मिलता है, दोस्तों इस चैनल पे आपको एनालिसिस मिलता है, लेवल्स मिलते हैं, बाजार कहाँ जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। इस चैनल के साथ जुड़ने पे आपके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में आप अच्छे एनालिस्ट बन जाएंगे, ये मैं आपका दावा दे सकता हूँ अगर आप लाइव सेशंस में आते हैं तो। दोस्तों कुछ निजी कारणों की वजह से आज का और कल का दोपहर का सेशन नहीं हो पाया, बट कल फ्राइडे को हम रात को सेशन करेंगे, रात को लाइव सेशन होगा फ्राइडे को, तो रात को जरूर आइएगा। कल डिस्कशन करेंगे कि अगले हफ्ते क्या बवाल होने वाला है, बाजार कैसा चलेगा, क्या धुआंधार बाजार में तेजी आई है, धुआंधार मंदी की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों पिछले सेशंस में हम आपको बहुत क्लियरली कह रहे थे कि बाजार में एक बहुत क्लियर कट डाइवर्जेंस है सभी टाइम फ्रेम्स में, निफ्टी पे, रिलायंस पे, HDFC बैंक पे, बड़े बड़े शेयर्स में, बजाज फाइनेंस में, इन सभी शेयर्स के बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। आपने शायद उसको देखा होगा, नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, कल रात को 9 बजे पोस्ट किया था। दोस्तों ये वीडियो मैं जो आज बना रहा हूँ ये भी आपको रात को 9 बजे मिल जाएगा, पर आपको मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ जो लेवल एनालिसिस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी स्टडी से उसको मैच कीजिए, फिट रह लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपने कभी सोची ना हो, या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपकी थ्योरी और श्योर हो जाए, आप बिल्कुल एक्यूरेटली बाजार को देखने की शुरुआत कर बैठे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि बाजार आज क्या रहा, हमने कल डिस्कशन क्या किया था और आज बाजार ने क्या एग्जैक्ट लो लगाया। सबसे पहले हम चलते हैं अपने जादुई ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर पे, उस पर जाना बड़ा जरूरी है। दोस्तों ये हमने कल डिस्कशन किया था कल की क्लोजिंग के ऊपर, कल की वीडियो में हमने कहा था कि जहां निफ्टी 11,130.35 के आसपास बंद हुई थी, 11,131 से इसको पकड़ लेते हैं। कल हम कहां देख रहे थे, कल हमने कहा था कि जो बाजार की जो गिरावट की शुरुआत थी 236 के बाद गिरना शुरू हो गया था फर्दर, हालांकि 449 से ही ब्रेकआउट आ गया था, ये हमने पिछले बहुत सारे लाइव सेशंस में, बहुत सारी लाइव वीडियोज में आपको बताया था। 449 से बाजार गिरेगा और बाजार 11,100 तक आ जाएगा, वो कल आ चुका था। अब उसके बाद बाजार के लेवल क्या आते थे, 11,100 के बाद में जो लेवल निकल के आते थे वो थे 10,920 तक के, ये बहुत क्लियर थे। 11,000 का एक मेजर सपोर्ट था, कल की वीडियो में कह दिया था मैंने, और अगर ये सपोर्ट टूटता तो बाजार आराम से 10,920 और 10,800 तक आराम से निकल सकता था, और इवेंचुअली जो गैप था 10,600 तक, वहां तक बाजार जा सकता है, कल के वीडियो में हमने डिस्कशन की थी। दोस्तों आज क्या रहा देखिए, कल की क्लोजिंग हमारी 11,131.85 के आसपास की निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, और आज की क्लोजिंग है 10,821 की, मतलब लो लगाए 10,790। दोस्तों ये लेवल कैसे आ गए, कैसे हुआ ये सब, ये सब हुआ है सिर्फ एक डीप स्टडी की वजह से, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से। मुझे लेवल्स दिमाग में रहते हैं, मैं नंबर्स से ज्यादा बाजार को कुछ समझता नहीं हूँ, ना ही मैं निफ्टी को नंबर से ज्यादा समझता हूँ, ना ही मैं बैंक निफ्टी को समझता हूँ। मेरे लिए चाहे रिलायंस हो, चाहे वो US में लिस्ट हुआ एप्पल का स्टॉक हो, चाहे वो फेसबुक का स्टॉक हो, चाहे अपने बजाज फाइनेंस हो, कोई भी हो, मैं नंबर से ज्यादा किसी शेयर को नहीं समझता। ये सिर्फ नाम भर है मेरे लिए कि कोई बजाज फाइनेंस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एक इफेक्ट होता है, वो नंबर वैसे ही काम करता है। दोस्तों बाजार को समझना बड़ा जरूरी है, चार्ट को जितना सिंपली सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो भी लोग क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमारे जो नंबर हैं स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो जाएगा, वहां आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो जब भी क्लासेस होंगे आपको पर्सनली भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अब ये मत समझिएगा कि मैं यहां से क्लास प्रमोट करने लग गया, क्लासेस हम आज से नहीं सालों से ले रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसका सिर्फ आपको इंटीमेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल हाँ होंगी, अभी तक हमने कोई क्लास नहीं लिया इस लॉकडाउन के टाइम पे, बट जो लोग सोच रहे हैं सीखने के लिए हम जरूर सिखाएंगे, हम सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाजार क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं। इस वीडियो को दोस्तों प्लीज अंत तक देखिए, अगर अंत तक देखने का टाइम है तो ही कुछ ज्ञान मिलने वाला है, अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आधी ही मिलेगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल नुकसानदायक होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लॉस खाने से बच जाएं। अब यहाँ देखिए, बाजार को देखने का नजरिया मैं हमेशा कहता हूं, चार्ट को थोड़ा छोटा किया करो, मतलब स्क्वीज कर लिया करो। स्क्वीज करने से क्या होता है, आपको बाजार के सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। यहां पे अपना टूल निकालिए, ध्यान से सीखिए दोस्तों, सिखा रहा हूं फिर से, हर बार सिखाता हूं फिर सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। यहां हम जो कल बात कर रहे थे 11,080 के आसपास का मेजर सपोर्ट था, मैंने आपको कहा था कल ही क्या था, उस वीडियो को जाके देखना, बेशक से अगर जो लोग नए हो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मैंने कहा अगर ये टूटेगा तो बाजार क्या लेवल निकाल के लेगा, बाजार के जो लेवल निकल जाएंगे 10,600 तक के लेवल निकल जाएंगे। बीच में क्या सपोर्ट देगा, बीच में मैक्सिमम ये सपोर्ट 10,855 तक का सपोर्ट हो सकता है
मैक्सिमम। ये कल भी हमने यही लेवल मार्किंग की थी, आज भी यही लेवल मार्किंग की है। हमारा टीटीसी भी हमें यही कह रहा था, जो हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, जो बहुत क्लियरली कहता है ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड। अब ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो ही ज्यादा अच्छा है। जो लोग ये कहते हैं ना दोस्तों, आप समझ लीजिए, जो लोग नए होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, किससे सीखें, कब सीखें, क्या सीखें, चलो ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। एक सवाल ये दिमाग में डाल दिया जाता है, आपको चिल्ला चिल्ला के डाल दिया जाता है, अरे भाई एक तरफ का बताओ ना बाजार एक तरफ किस तरफ जाए। दोस्तों जब बाजार एक तरफ चलता ही नहीं है तो हम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं कि हम एक तरफ का मुंह करके बैठ जाए, चाहे बाजार यू टर्न में आ जाए। दोस्तों ट्रेड विद द ट्रेंड, दिस इज द सक्सेस मंत्रा, दिस इज द सक्सेस मंत्रा। यस, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। बाजार में लॉस होना लाजमी है, बाजार का हिस्सा है लॉस, वहीं बाजार का हिस्सा प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट जब आता है दोस्तों, जब आप लॉस खाने की क्षमता रखते हैं, बाजार में डटे रहते हैं, आपको रहता है कि अभी ठीक है जो लॉस हुआ उसको रिकवर कैसे करना है, रिकवर करने के पीछे पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको एक गेम पता होना चाहिए बाजार में गेम क्या चल रहा है, कैसे बाजार कहां से बाउंस करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। क्योंकि कभी भी मार्केट, ये जो फ्री फॉल आपने देखा था ना, ये फ्री फॉल मार्च के बाद, ये फ्री फॉल आया था पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से। ये फ्री फॉल आया था जब जीडीपी बर्बाद हो चुकी थी पूरे विश्व की, पूरे विश्व के चार्ट ऐसे ही दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम फॉल है पूरे विश्व के चार्ट में। सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो डाउ हो, नेस्डेक हो, बसपा हो, चाहे कोई भी हो, बेसिकली अब ब्राजील की बात करें, कनाडा, जापान, निकेई, एनीथिंग, हैंगसेंग, कुछ भी, सबके सब में ये सेम फॉल था। दिस वॉज ए ग्लोबल रिसेशन और इसकी वजह से सबके सब ने एक साथ गिरावट दी, क्योंकि पूरा बाजार नहीं, पूरी इकॉनमी धराशायी हो चुकी थी, पूरी इकॉनमी क्रैश हो चुकी थी। एंड कोविड वाज द सेवियर फॉर ऑल दीस पीपल, मेरे हिसाब से इनको बचाया है, ठीक है। बाजार में गिरा, पब्लिक मर गई, बड़े बड़े पैसे वाले हुए और अमीर होते चले गए। वो सिर्फ इसलिए होते चले गए क्योंकि उनको मालूम था यहां से बिका हुआ बाजार यहां खरीदा जाएगा, यहां नहीं खरीदेंगे, यहां खरीदेंगे, यहां खरीदेंगे, एक अच्छी खासी रिकवरी उनको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप भी बाजार को समझिए, सही तरीके से देखिए, सिंपल तरीके से देखिए। जितना सिंपल रखेंगे बाजार को, जितने रूल्स को फिक्स कर लेंगे और फिर बाजार में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बाजार आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। जब जब आप ये सोचेंगे एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढ लूं, एक नई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर लूं, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप सोच के देखिए, एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ से। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, क्या उन्होंने राइट हैंड से हमेशा खेलते रहे, क्या उन्होंने लेफ्ट हैंड से खेलना ट्राई किया? नहीं किया ना कभी भी उन्होंने। जो उनके फेवरेट शॉट्स थे, जैसे कवर ड्राइव या स्क्वेयर ड्राइव, बहुत शानदार खेलते रहे, उन्होंने उनको स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ था। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बैकफ्लिप मारने की कोशिश करूं या मैं आगे बढ़ के हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश करूं। उनको खेल सकते रहे। धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट पसंद है, पर क्या धोनी को स्क्वेयर कट पसंद है? नहीं होगा। तो धोनी के अपने शॉट्स रहे, तेंदुलकर के अपने शॉट्स रहे, सहवाग के अपने रहे, गांगुली लेफ्ट खेलते लेफ्ट ही खेलते रहे। दोस्तों जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको पता है मैं स्क्वेयर खेलता हूं तो स्क्वेयर ही खेलेंगे, अगर आपको पता है मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही कीजिए, अगर आपको लगता है पोजिशनल ट्रेडर है तो पोजिशनल ट्रेडिंग ही कीजिए, आप फिर इंट्राडे में पंगे मत लीजिए। अगर आपके पास बहुत टाइम स्कैल्पर है तो स्कैल्पिंग करो, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग क्यों करते हो? तो पहले तो आइडेंटिफाई करो आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो हो वही रहो, आपको वही रहना चाहिए, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी के ऊपर मास्टरी करनी चाहिए, बाजार कभी नुकसान नहीं देगा। जितने भी लोग अपनी स्ट्रेटेजी रोज चेंज करते हैं, आज आरएसआई प्लॉट कर लिया, कल एमएसडी लगा लिया, फिर अपने स्टोकेस्टिक को ट्राई करने की कोशिश की, फिर आपने महीने भर आपने सुपर ट्रेंड को ट्राई किया, फिर आपने बोलिंगर बैंड को ट्राई किया, दोस्तों किस किस को ट्राई करेंगे? ट्राई करते करते एक साल निकल जाएगा, आप कैपिटल साफ हो जाएगी, आप सोचेंगे यार किसी की भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, और आप भूल जाएंगे कि बेसिक रूल मैथ्स का ये कहता है, बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप कॉइन को भी अगर हेड टेल करने बैठेंगे तो भी 1/3 कम से कम आपके फेवर में गिरेगा, और 1/3 में भी अगर रिस्क वार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 का लेके चल रहे हैं तो 1/3 की चांसेस में भी आपको लॉस नहीं होगा। तो बाजार को सिंपल देखिए, सिंपल तरीके से देखिए, पैनिक मत होइए, मजे से काम कीजिए, लेवल्स निकालिए, लेवल्स निकालने के बाद काम कीजिए। अब यहाँ पे बाजार की सिचुएशन क्या समझ में आती है? 210,805 के आसपास की क्लोजिंग आज हुई है, देखते हैं यहाँ से निफ्टी का रुख क्या दिखाते हैं, क्या सपोर्ट निकल के आते हैं, क्या रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ से 10,816 का एक लेवल होगा जो डिसाइसिव होने वाला है। अगर बाजार वापस 10,800 को सपोर्ट लेके, सपोर्ट बना के बाजार वापस चलेगा तो वापस से 11,000 के ऊपर बाजार देखने को मिलेगा, बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। नहीं तो बाजार यहाँ से, जो मैंने आपको कहा था जो गैप है, जो जहाँ से बाजार को नहीं जाना चाहिए था, यहाँ तक कम से कम बाजार आके 10,700 10,600 के लेवल को जाके बाजार जरूर छुएगा और वहां पे एक कंसोलिडेशन करके फिर एक नई मूव बनाएगा। बाजार को चलना भी है तो 10,600 तक तो आना जरूरी था, बहुत ही जरूरी था, जहां से उसको नहीं जाना चाहिए था वहां तक आना जरूरी था, ये रिट्रेसमेंट है। अब 61.8% जो था पूरी फॉल का 10,600 के आसपास में, ये मेंटेन अगर हो गया तो ठीक है, अगर ये फॉल आता है तो मैं बार बार कह रहा था
तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि 10,000 और 9,000 के लेवल बाजार के आएंगे, उसके बाद बाजार चलेगा बहुत ही बढ़िया चलेगा। दोस्तों ये 3 महीने 4 महीने है, पूरा 2020 निकल गया। 2020 मुझे पता है लोगों का अच्छा नहीं गया, कुछ महीने और हैं, कैपिटल को सेव कर लीजिए, अच्छी खासी कैपिटल आपके हाथ में होगी तो 2020 के एंड में, मैंने पहले भी कहा था इस साल की शुरुआत में कि सितंबर अक्टूबर के बाद टाइम आएगा इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का टाइम आपके सामने आ रहा है, कैपिटल इंटैक्ट रखिए, सेफ रखिए, डिलीवरी स्टॉक्स में काम कीजिए। अगर आपके स्टॉक्स गिर भी रहे हैं तो आप एवरेज कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाजार गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा, ठीक है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी फॉल्स व्हेन निफ्टी फॉल्स। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा स्टॉक क्यों गिरा, सब कुछ गिर रहा है। अगर जाके देखें तो निफ्टी 50 में खाली 3 शेयर चले, जी लिमिटेड खाली 0.89% के आसपास में, हिंदुस्तान 0.25% के आसपास में, मुश्किल से इंफ्राटेल चला 2.85%, बाकी सब निफ्टी 50 में सब गिरे हैं। तो गेनर खाली 3 स्टॉक रहे, वो भी ना के बराबर, बाकी सब लूजर है। तो बाजार में जब ऐसी हाहाकार मची हो, माल बिक रहा हो, तो आपके स्टॉक भी गिरेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, अभी ऐसे टाइम पे वेल्थ एक्युमुलेट करने का या स्टॉक्स एक्युमुलेट करने का टाइम होता है। एक्युमुलेशंस पे ध्यान दीजिए, शेयर्स अच्छे चूज कीजिए, उन पे इन्वेस्टमेंट करने में ध्यान दीजिए। मौका आ रहा है, सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर और सही, ये शॉर्ट सेलिंग का जो बैन है वो भी लिफ्ट होने वाला है बहुत जल्दी। वो लिफ्ट हो जाएगा तो बाजार में फिर एक सेलिंग आएगी, सोच के देखिए। तो बाजार को एक मैनिपुलेशन तरीके से मैनेज किया हुआ है, ये मैनेजमेंट सारी महीने 2 महीने 4 महीने खेल बचा हुआ है। दोस्तों नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के लिए बाजार को जो होल्ड रखना है, जो कैपिटल उठानी है, जो पैसा बनाना है बाजार से बना लेंगे लोग, उसके बाद बाजार को तेज किया जाएगा। क्योंकि जो वैक्सीनेशन आएगी, जो गुड न्यूज आएगी अमेरिका की तरफ से कि भैया COVID-19 को हमने हरा दिया और ये वैक्सीनेशन 100% आ गई, क्योंकि ट्रंप को भी तो इलेक्शन जीतना है ना, ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए बहुत कुछ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए नजर बनाए रखें अमेरिका की न्यूज पे भी, इंडिया पे भी, जहां भी दिमाग लगाने लगाई, बट नंबर्स को नंबर्स की तरफ देखते रहिए, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाजार नंबर का गेम है, पे नंबर का गेम आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।